हर फिल्म में एक बोलते हैं कि यू नो यू हैव अ जैसे अंगार या भड़ास अगेंस्ट अ सिस्टम, सिस्टम नॉट इन इट्स ब्रूटल एस्पेक्ट बट प्रॉब्ली सिस्टम के खिलाफ आपने हमेशा कोई ना कोई एक बहुत दबा हुआ जो एक भड़ास निकालने की कोशिश की करते हैं आप. अंदाज अपना अपना में तो नहीं थी वो, नहीं एक अदर देन अंदाज अपना अपना विच हैड अ कॉमेडी टच बट अदरवाइज आप अपनी दामनी उठा लीजिए, घायल उठा लीजिए, घातक उठा लीजिए. डेफिनेटली बिकॉज़ एज अ राइटर मैं खुद कहानी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स वगैरह खुद लिखता हूँ मैं, तो व्हेन यू रीड गो थ्रू द न्यूज़पेपर आए दिन जो खबर छपते हैं जिस तरह के एट्रोसिटी जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं हमारे समाज में कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स यू. एंड हम वो प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कि उसे कहीं ना किस तरह से हम लोगों से बात कहें, अपने विचार को सामने रखें. तो सिनेमा के ज़रिए मैं जहाँ भी हो सके जो चीज़ मुझे लगता है गलत है स्ट्रांगली कह सकता हूँ तो मैं कहता हूँ. पर आप सिस्टम के खिलाफ इतना फील करते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली फील करता हूं. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट, दिस आल्सो समटाइम्स इट कम्स वेरी नेचुरली. अच्छा, आपकी फिल्मों में हीरोइंस का खास करके सनी देओल के साथ उनका कुछ ज्यादा दे डू नॉट कंट्रीब्यूट मच इवन इन चाइना गेट. आई मीन ओके देयर इज ममता कुलकर्णी बट यू नो दे डोंट हैव वेरी पावरफुल रोल टू प्ले. मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि व्हेन यू राइट अ स्टोरी ना मैं सोचता नहीं हूँ कि ममता कुलकर्णी का फेस है या मनीषा का फेस है या सन्नी का फेस है या किसी का फेस है. कैरेक्टर की जो ज़रूरत है वो वही मैं करता हूँ. आई डोंट गेट इन्फ्लुएंस. लाइक घायल में हीरोइन का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन था, जितना जो रोल था उतना ही रोल था. दामिनी में मीनाक्षी प्ले द सेंट्रल पार्ट, टाइटल भी लड़की के ऊपर रखा था हमने. सनी कम्स रील नंबर 12, अभी सनी आकर के रील नंबर 8 पे तो नहीं लेके आऊँगा मैं उसको कि सनी से दो गाने भी गवा लो, दो फाइट भी करवा लो. जहाँ उस कैरेक्टर की जरूरत है वहीं पे वो कैरेक्टर कम आता है, कम्स एंड डज हिज जॉब. द सेम थिंग चाइना गेट ऑल्सो, दिस कन्वेंस हीरोइन का स्टोरी नहीं है इसमें, तो जितना जो पार्ट है उतने पार्ट वो प्ले करेगी. तो आई डोंट बिलीव दैट हीरोइन है इसको दो गाने देने चाहिए, दो रोमांटिक सीन देने चाहिए, इसको जस्टिफाई करना चाहिए. कहानी को जस्टिफाई करना है, दैट इज द मेन थिंग. हीरो हीरोइन को जस्टिफाई करने के लिए कहानी नहीं बनी जाती है. कहानी के हिसाब से हीरोइन को लिया जाता है, कहानी के हिसाब से उनका काम दिया जाता है. भले चार सीन हो वो चार सीन ही करेंगे वो. बट यू आर लकी टू गेट अवे विथ ऑल दैट ना, कि आप ये नहीं करते हो और येट यू आर एबल टू प्रोड्यूस एंड पुट योर मूवीज ऑन. बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि शायद नहीं कर पाते, हु आर पार्ट ऑफ द स्टार सिस्टम, हु आर पार्ट ऑफ द सेम. नहीं चाहते, ये भी है, कई लोग करना नहीं चाहते, कई लोग नहीं कर सकते हैं, काइंड ऑफ ये भी हो सकता है, मुमकिन है. बट इम्पॉर्टेंट इज दैट आई मे नॉट हैव गॉट अ वेरी व्हाट इज ए स्पेक्टेकुलर सक्सेस काइंड ऑफ अ थिंग. इट हैज बीन अ वेरी काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी है, एक एंड स्लो एंड स्टडी काइंड ऑफ थिंग वन इज मूविंग ऑन. आई डोंट माइंड, आई एम नॉट लुकिंग फॉर स्पेक्टेकुलर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट.